खबर बलिया जनपद से, जहां कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जेल से फरार चल रहे अभियुक्त बेचूराम को गिरफ्तार किया। बेचूराम 5 जनवरी को जेल से फरार हुआ था। बेचूराम पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। बलिया पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाया जा रहा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जेल से फरार चल रहे अभियुक्त बेचूराम को बुधवार रात गिरफ्तार किया। बेचूराम 5 जनवरी को जेल से फरार हुआ था। कैदी बेचूराम जेल की चार दीवारी फांद कर फरार हो गया था, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी। कोतवाली पुलिस ने बुधवार की देर रात मुठभेड़ में बेचूराम को गिरफ्तार कर लिया। बेचूराम बांसटी रोड थाना क्षेत्र के बिगही गांव निवासी है। बेचूराम पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बेचूराम पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बिपिन टांडा ने बताया कि थाना कोतवाली पुलिस के साथ बुधवार रात्रि में कुछ बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के रोकने पर बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर झोंक दिया गया, जिसमें एक बदमाश फरार होने में कामयाब हुआ और एक के पैर में एक गोली लगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो बदमाश घायल हुआ उसका नाम बेचू है और यह 50,000 का इनामी भी था। हाल ही में यह जिला जेल से फरार हुआ था। 24 से अधिक इसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट, चोरी जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। बल्ले जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। और फिर जेल में रह के कितने मर्डर करवाए तुम? एक ही करवाए। किसका करवाए? वर्मा जी। वर्मा जी का कौन कौन क्या काम करते थे? वर्मा जी सब्जी बेचते थे। उनका मर्डर क्यों करवाए तुम? लक्ष्मण वर्मा का। लक्ष्मण वर्मा ने कहा? क्या विवाद था लक्ष्मण वर्मा का? उनका सासू था। उनका सासू था। कितने पैसे लिए उससे? एक लाख रुपए। एक लाख रुपए देने के लिए बोले थे? दिए? तुमने कितने लोगों को लगाया उस मर्डर में? तीन आदमी। वो तीन आदमी कौन है? एक पाल है और एक सतीश है। तीनों जेल गए हैं? तीनों जेल गए उसी मुकदमे में। आगे से ध्यान रखो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। थाना कोतवाली पुलिस की रात्रि में कुछ बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि बदमाशों ने पुलिस के रोकने पर उन पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी है और एक फरार होने में कामयाब रहा है। जो बदमाश घायल हुआ है उसका नाम बेचू है और यह 50,000 का इनामी है, जो कि हाल ही में जिला कारागार से फरार हुआ था। और यह 2 दर्जन से ज्यादा मामले हैं इसके ऊपर आपराधिक इतिहास में, और इसके ऊपर हत्या और लूट जैसे जघन्य अपराध भी इसमें दर्ज है। यह 2018 से जेल में था और अभी हाल ही में जेल से फरार हुआ था। पुलिस को इसकी सरगर्मी से तलाश थी, जो इसका साथी है। अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी।